गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। खुश रहिए, घर में स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो बस अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में, जैसा कि मेरे हस्बैंड स्कूल जाते हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, वो प्रिंसिपल हैं स्कूल में, तो बस जस्ट अभी मैंने उनका टिफ़िन लगा करके दे दिया और वो चले गए। तो आज हमने टिफ़िन में बनाया था दलिया दाल, जैसा कि मेरे यहाँ डेली रूटीन में है, क्योंकि इनको स्कूल जाना होता है तो मुझे डेली रूटीन में इनका दलिया दाल मुझे देना ही पड़ता है। और बनाया था हमने भिंडी की सब्जी और रोटी, तो अभी इनको मैंने पैक करके टिफ़िन में दे दिया है, ये चले गए हैं। और जस्ट यहाँ पर ये देखे, मैंने बना ली है अपनी चाय, तो आ जाइए आप भी हमारे साथ चाय पी लीजिए मॉर्निंग की। हमने दो टोस्ट लिया था और मैं ये चाय पी रही हूँ। हमने कहा चलिए अभी आपसे हम बात कर लेते हैं। और मौसम पहले की अपेक्षा तो कुछ सही हो गया है, लेकिन क्या है ना, धूप निकलती है तो फिर से उमस बढ़ जाती है। तो आज मैं एक बहुत ही नई चीज़ बनाने जा रही हूँ, जो मैं आपसे आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि करेला ऐसी चीज़ है कि घर में बच्चे मुंह बनाते हैं, कभी कभी तो बड़े भी मुंह बनाते हैं कि क्या करेला, कि कभी सब्जी की बारी आएगी कि आज करेला बनाएंगे, तो सबका मुंह बनता है। कुछ लोगों का तो बनता है, जिनको डायबिटीज़ रहती है वो तो उनको मजबूरी है, खाना ही है। पर जो बच्चे हैं और कुछ लोग जवान भी हैं, वो भी मुँह बनाते हैं, कौन करेला खाएगा, है ना? ऐसा होता है ना सबके घरों में। तो चलिए आज से ऐसा नहीं होगा, मैं एक नई ट्रिक आपके सामने लेकर के आई हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर फॉलो करना। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो नए भाई बहन हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे चैनल का नाम है सीमा मौर्य ब्लॉग। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने करेला ले लिया है 4-5, और आप अपने घर के हिसाब से करेला ले लीजिएगा। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से धो करके, देख रहे होंगे, इसको वॉश कर लिया है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए अभी रख दूंगी, मुश्किल से 5-10 मिनट के लिए, ताकि इसके जो पानी है ये सारे सूख ले, मतलब पानी, इसकी नमी सारी सूखा जाए। आप चाहो तो रात में ही आप इसको धो करके रख सकते हो, तो सुबह आपको एकदम सूखा सूखा मिलेगा। तो हम नहीं धोए, कल भूल गए थे, तो हमने मॉर्निंग में अभी धुला है इसको, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। तो इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए रख दूँगी। और क्या करूँगी इसको, तो आप मेरे वीडियो में बने रहना ज़रूर। और मैं बना रही हूँ करेला बटाटा चिप्स। आपने आलू की चिप्स खाई होगी, केला की खाई होगी, वगैरह वगैरह हर तरह की चिप्स खाई होगी, लेकिन कभी क्या आपने करेला की चिप्स खाई है, प्लस सब्जी करेला की? आप इसको चिप्स भी बोल सकते हैं, सब्जी भी बोल सकते हैं। एक किनारे आप दाल चावल, और ये इसको आप एक किनारे रख करके देखिएगा, बच्चे तो चाट चाट के खाएंगे, बूढ़े बुजुर्ग तो खाएंगे ही, बच्चे पहले ही मांग करेंगे और दोबारा कहेंगे आप कल फिर बनाना मम्मी, हम यही खाएंगे। तो आज हम चल, आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, प्लीज़ फुल वॉच करके देखिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ करेला बटाटा चिप्स, ठीक है? तो ज़रूर बने रहना और ज़रूर बनाना, अपने घर में सबको पसंद आने वाला है, क्योंकि ऐसे करेला कोई नहीं खाता, बहुत नाक चिढ़ाते हैं। इस तरीके से आप नाश्ते में भी बना करके देंगे ना, तो स्वास्थ्य के लिए तो हितकर है ही, स्वाद के लिए भी बहुत ही टेस्ट आएगा इसमें। तो चलिए ठीक है, कुछ हम तैयारियां कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए आगे का हम शुरू करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैंने करेला धो करके रख दिया, 5-10 मिनट हो गया है, और उसका पानी आप ये देख रहे होंगे बिल्कुल से इसका पानी जो है सूख गया है। तो इसको अभी रख देते हैं, आगे की हम तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कटोरी बेसन, छोटी वाली कटोरी। आप जिस हिसाब से करेला बनाइए उसी हिसाब से आप बेसन अपना लीजिए, जितने आपके घर में सदस्य हो उस हिसाब से आप करेला लीजिए, उस हिसाब से बेसन लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मतलब बेसन ले रही हूँ, और इसमें आप देखिए मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच इसमें हल्दी, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दिया, और 1 चम्मच मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, ठीक है? और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा, ये देखिए, नमक। तो ज़्यादा हमें नमक नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि हमको इसको चटनी से भी खाना है, रोटी से, किसी भी चीज़ से आप खाएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ गरम मसाला, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाल रही हूँ, ये देखिए,
ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, और मिर्चा चाहे तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब यहाँ पे मुझे डालना है थोड़ा सा पानी, और बहुत ज़्यादा हमको इसकी जो है एकदम पतला नहीं घोलना है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा घोलना है। जो है जैसे हम पकौड़ी बनाते हैं ना, उसी तरह जैसे हम बैंगन की पकौड़ी बनाते हैं, डिप करते हैं, तो उसी हिसाब से आपको बनाना है ताकि इसमें आप डाल सकें और अच्छे से करेला इसमें डूब जाए। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने इसको अच्छी तरीके से घोल लिया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए इसकी ग्रेवी है ना। ऐसे ही आपको गाढ़ी गाढ़ी आपको जो है वो करना, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा पतला होनी चाहिए। तो इसको अच्छी तरीके से हम हाथ से ही फेंट रहे हैं। आपके पास, मेरे पास भी फेंटने वाला है, लेकिन भगवान ने 5 उंगलियां एक हाथ दिए हैं, तो फिर क्यों हम चम्मच और किसी चीज़ का इस्तेमाल करें, है ना। देसी चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए हाथ। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे ताकि कहीं गुलथियाँ ना रह जाए। ये देख रहे होंगे आप लोग अच्छी तरीके से, ये देखिए देखिए कितना गाढ़ा है ना। इसी तरह से आपको बेसन को घोलना है। तो चलिए ठीक है, आगे हम क्या करने वाले हैं, वीडियो में मेरे बने रहना, ठीक है। इसकी बिल्कुल मत करना, फुल वॉच करके देखना, और आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी देखने के लिए यूट्यूब पर। और आप ज़रूर बनाइएगा जो मैं ये आपको बता रही हूँ, बहुत ही टेस्टी लगी, और घर के लोग तो बिल्कुल मांग मांग के खाएंगे और फिर से मांग करेंगे कि आप करेला बनाओ, जो कि करेला बनाने पर लोग मुँह बनाते हैं, कभी मुँह नहीं बनाएंगे। चलिए ठीक है, आगे हम क्या करते हैं, इसको हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए, इसको ऐसे रख देते हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं, तो चलिए आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ये चिप्स कटना, ठीक है। तो रुकिए 1 मिनट, मैं कुछ, तो यहाँ पे मैंने जो है मोबाइल नीचे रख दिया है ताकि मैं अच्छी तरीके से आपको जो है दिखा सकूं, नहीं वैसे नहीं बनेगा। तो यहाँ पर इसको मुझे करेला ले लेना है, और इसकी जो डंडी है इसको काट देना है ऐसे, और 1 मिनट मैं चाकू ले लेती हूँ। ये देखिए, तो इसके जो ये आगे का भाग है इसको ऐसे काट देंगे, और इधर भी इसको पीछे का भी ऐसे करके काट देंगे, ठीक है। तो जैसे हम आलू का चिप्स काटते हैं उसी तरीके से हमको इसको कस लेना है। आप चाहो तो लंबा लंबा भी कस सकते हो, आप चाहो तो गोल गोल, तो हम इसको लंबा ही कसेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और बिल्कुल हल्के हाथ से आपको इसको कसना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे आपको कस लेना है, कस किया। और यहाँ पर ये देखिए दूसरा ले लेते हैं हम। तो आप चाहें तो इसको आप गोल भी काट सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लंबा लंबा ही काटें, आप ऐसे भी काट सकते हैं। मैं आपको गोल भी दिखा रही हूँ, इस तरह जैसे आलू को हम कभी लंबा काटते हैं कभी गोल काटते हैं ना, उसी तरीके से। तो आप इसको गोल भी काट सकते हैं, ये देखिए सेम वही प्रोसेस है जैसे आलू हम काटते हैं चिप्स, उसी तरीके से करेला को भी हम काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा ये रेडी हो गया है, ये देखिए कट गया ना। देखिए एक और काटते हैं हम, इसका भी हम आगे की भाग को ऐसे काट देंगे और ये काट देंगे, ठीक है। इसको हम लंबा काटेंगे, अभी हमने गोल काटा, तो आपकी ये चॉइस है कि आप लंबा काट रहे हैं पतला काट रहे हैं। और इतना ध्यान रखिएगा कि आप पका करेला मत लीजिएगा, नहीं वो आपसे काटते नहीं बनेगा, हमेशा कच्चा ही लीजिएगा क्योंकि पका काटते नहीं बनता है ना। तो यहाँ पर हमारी ये बीजी चाहे निकाल भी दें और ना चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं हो कि आप उसको निकालिए ही, आप ऐसे भी आप बना सकते। तो यहाँ पर ये देखिए कट के हमारा रेडी हो गया है, ठीक है। तो
यहाँ पर ये देखिए, हमने ऐप मैं दिखा रही हूँ आपको, इसीलिए मैंने नीचे मोबाइल रख दिया है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये लंबे लंबे कट गए ना, इसी तरीके से आपको काटना है। और हमने कुछ गोल भी काटे हैं, तो ये हमारा कट गया है। तो चलिए आगे हम इसमें क्या करते हैं, आप वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना प्लीज़ गाइज, आप लोग पूरा देखिएगा। और ताकि पूरा देखेंगे तभी आप बना सकेंगे और अपने घर परिवार को खिला सकेंगे। तो चलिए ठीक है, हम बनाते हैं, आगे क्या करते हैं बने। तो बस यहाँ पर ये देखिए, मैंने बेसन में जो सारा कुछ डाला था ना, मसाला, हल्दी, जीरा पाउडर, नमक, तो उसको मैंने गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी की तरह घोल लिया था। फिर उसके बाद मैं ये जो करेला कट करी हूँ, इसको इसी में मिक्स कर दूँगी, अच्छे तरीके से मतलब मिलाऊँगी, ताकि बेसन में ये पूरी तरीके से डूब जाए जो है, और अच्छे से ये, ताकि हमको मतलब छानने में आसानी रहे। तो बस यहाँ पे मैंने सारे करेले को इसमें डाल दिया है अच्छी तरीके से। तो ज़रूर आप बनाना, सच में ना घर के लोग तो आपसे रोज़ फरमाइश करेंगे। और बारिश में ना प्याज वाली पकौड़ी नहीं, इसी करेले की पकौड़ी की आपसे कहेंगे कि मांग करेंगे कि हाँ हमको इसी की पकौड़ी बनाओ, स्वाद के लिए भी ज़रूरी, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी। तो चलिए ठीक है, हमने यहाँ पे सरसों का तेल कढ़ैया में चढ़ा दिया है, और खूब सरसों का तेल जब गर्म हो जाए तभी फिर इसमें मैं इसको डालूँगी जो है। और डालने के बाद आप हल्का सा धीमा आँच कर देना, ताकि अच्छे से करेला पक जाए। तेज़ आँच में करेंगे ना तो अंदर जो करेला है वो पकेगा नहीं, तो इसलिए इसको हमेशा पहले तेज करिए इसका गैस का फ्लेम, और उसके बाद डालने के बाद थोड़ा सा हल्का सा धीमा कर दीजिए। तो बस चलिए चलते हैं, छानते हैं, देखिए जो है, और इसको खूब अच्छे से लाल लाल छानना है, ताकि बहुत टेस्टी लगे खाने में जो है। तो कैसी लगी आपको हमारे करेले की पकौड़ी, तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और अपने घर में ज़रूर बनाना, अपने घर परिवार और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाना। सच में ना बहुत ही टेस्टी लगता है, इतना मैं आपसे बता दे रही हूँ, ज़रूर बनाना ठीक है। तो बस यहाँ पर ये देखें, इसको हम धीमे आँच मतलब धीरे आँच कर दिया है, ताकि अच्छे से जो है ये पक जाए, क्योंकि तेज कर देंगे ना तो अंदर से करेला कच्चा रह जाएगा और ऊपर से हमारा बेसन पक जाएगा। तो चलिए ठीक है, इसको हम पकने देते हैं। और ज़रूर आप फॉलो करना मेरी ये रेसिपी, ज़रूर बनाना आप लोग, क्योंकि करेला ऐसी चीज़ है कि लोग नाम सुनते ही मुँह चिढ़ाने लगते हैं, बनाने लगते हैं, नहीं नहीं करेला नहीं खाना। और बच्चे तो कहेंगे हम खाना ही नहीं खाएंगे, लेकिन जब आप इसको बना करके देंगे ना बच्चों को, सच में ना बहुत ही पसंद करेंगे वो, और बार बार फरमाइश करेंगे कि मम्मी आप बनाओ ज़रूर इसी को। तो चलिए ठीक है, इसको हम छानते हैं। बस यहाँ पर ये देखिए, हमने अपनी सारी जो है करेले की पकौड़ी को छान करके रेडी कर दिया है। देख लीजिए लाल लाल कुरकुरी कुरकुरी कैसी लग रही है, तो ज़रूर बताइएगा। तो इसको आप टमाटर की चटनी से या अमकली की चटनी से आप इसको सर्व कर सकते हैं, और घर में जब भी गेस्ट आएँ तो आप करेले की पकौड़ी बना के यहाँ खिलाएंगे ना तो खुश हो। मेरी जो है करेला की ये चिप्स, करेला बटाटा चिप्स बनके रेडी है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं, और आप भी ज़रूर अपने घर में इसको ट्राई करना या बनाना, बहुत ही सरल है, कुछ भी इसमें करना नहीं है। करेला को केवल धो करके आपको अच्छी तरीके से सुखा लेना है, और उसके बाद बेसन में आपको सारा कुछ मसाला डाल देना है, नमक थोड़ा सा डालना है, मिर्चा चाहे तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप उसको हटा भी सकते हैं। उसके बाद इसको आप छान लीजिए सरसों के ऑयल में, और आप चाहें तो टमाटर की चटनी बना लीजिए या अमकली की चटनी बना लीजिए और खाइए। करेला का भी आपको स्वाद मिलेगा और स्वास्थ्य के लिए भी मिलेगा आपको इसका लाभ, तो बहुत ही टेस्टी है। घर में सभी लोग बहुत अच्छा मतलब इसको बहुत अच्छे से खाएंगे, मांग के खाएंगे, और दोबारा फिर से फरमाइश करेंगे कि प्लीज़ मम्मी आप ज़रूर बनाओ करेला की बटाटा चिप्स। तो चलिए ठीक है, आपको हम दिखाते हैं।
तो ये देखिए, ये करेले की पकौड़ी और रमकली की चटनी। तो आ जाइए आप भी जो है ज़रूर अपने घर में बना करके मेहमानों को, घर परिवार और बच्चों को ज़रूर खिलाइए। जो है देखो कैसी आप बनी है सभी तो लोगों ज़रूर ने कि बताइए। कितना टेस्टी बना है और कितना अच्छा है। तो चलिए आ जाइए आप भी हमारे यहाँ करेला की ये चिप्स खाने के लिए। मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ, आपको तो नहीं खिला सकती लेकिन ये आपके लिए ज़रूर आप बनाइएगा और खा लीजिए। तो मैं आपको खा करके बताती हूँ, सच में इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है कि लग ही नहीं रहा कि हम करेला खा रहे हैं। ज़रूर बनाना, और आप चाहो तो रोटी से भी खा सकते हो, चटनी से भी खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी बना है, ज़रूर बनाना, अपने घर परिवार को ज़रूर खिलाना। तो कैसी लगी हमारी ये रेसिपी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक दीजिएगा, और जो नए भाई बहन हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।